एक्सीलेंस एकेडमी जम्मू, द वे टू एक्सीलेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स एकेडमी जम्मू। माय सेल्फ सज्जन गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय लेक्चर नंबर थ्री क्लास 12th इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, इंटीग्रेशन आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है स्टार्टिंग की। पार्शियल मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, एंड फ्रैक्शन मीन जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज को पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले डेफिनेशन या हेडिंग लिख सकते हो रैशनल फंक्शन। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये फंक्शंस की टाइप में। रैशनल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म और टाइप, ए फंक्शन इज सेड टू बी अ रैशनल फंक्शन इफ इट कैन बी expressed or represented in the form of px by qx, provided qx zero नहीं होना चाहिए, where px and qx are polynomials in एक्स, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाय क्यू एक्स, तो उसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। देखिए इसकी एग्जांपल। एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स फाइव प्लस वन, 2x square plus x plus 1 by 3x square plus 2x plus 4। तो ये इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है रैशनल फंक्शन। x plus 1 by x square minus 1, this is again a rational function। Next हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। तो अब है टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो क्या टाइप्स होती थी? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम यहाँ पे एक रहेगी प्रॉपर रैशनल फंक्शन और नेक्स्ट आ जाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। आपने पढ़ा था छोटी क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती थी, जहां पे न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता था एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाता था एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर। सपोज 3/5 है तो दिस इज प्रॉपर, अगर यही 7/4 हो जाए तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ D is if a degree, if degree of polynomial p of x is less than degree of qx, तो वो होगा हमारा proper rational function। इसी तरह से अगर degree polynomial px की क्या हो जाए? Greater than degree of polynomial q of x। यानी कि जब कभी भी degree polynomial px की बड़ी हो जाए किससे? QX polynomial की डिग्री से, तब हम कहेंगे कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका क्या है? देखिए, नाउ PX by QX इज
improper. So it can be reduced to proper rational function using long division process. देखिए अभी हमने एग्जाम्पल ली 4/7 की, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7/4 इम्प्रॉपर में, 7/4 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो दिस कैन बी रिटन 1+3/4. जैसे छोटी क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन लिखते थे 1 3/4, तो मतलब वही होता था 1 into 4 4+3 7/4. तो इसको जो है प्रॉपर सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका, आप लोग क्या कीजिए, पी एक्स बाय क्यू एक्स को चेंज कर दीजिए एज टी एक्स एक पॉलिनोमियल प्लस पी वन एक्स बाय क्यू वन एक्स, वेयर टी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड पी वन एक्स बाय क्यू वन एक्स इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इवेल्युएट करने का तरीका है, इंटीग्रेट कर दीजिए पी वन एक्स बाय क्यू वन एक्स में, जहां पे जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो सकता है, या तो लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होगा. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? टेबल बना लीजिए फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन. अगर इस टाइप की फॉर्म होगी तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या यूज करना है, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन बाय फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. नंबर वन इज अगर आपको मिल जाए पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी. सिमिलरली अगर आपको दे दी जाए पी एक्स बाई क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर. यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पी एक्स बाई क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिग्री 3 ऊपर डिग्री 2 प्रॉपर है, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो दिस विल बिकम ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर सी अपॉन एक्स माइनस बी. यहाँ पे क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, यानी कि हम इसके आगे फैक्टर्स नहीं बना सकते. तो दिस विल बिकम ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहां पे अब डिग्री 2 है तो इसको अगेन प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स टू बी डिटरमाइंड, जो हमें निकालने, कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11 इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू. कौन सी टाइप है बेटा अभी पढ़ा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी किसके बराबर होता है, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू कैन अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन, ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन
x minus 1 x minus 2 equals to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2. So this can be written as a upon into क्रॉस करके x माइनस टू बी इंटू एक्स माइनस वन नीचे आ जाएगा x माइनस वन x माइनस टू. सो डिनोमिनेटर इज गॉन सो वी आर लेफ्ट विथ a x माइनस टू बी x माइनस वन. पुट कीजिए x माइनस वन को जीरो x क्या आ जाएगा वन. सो दिस विल बिकम 1 equals to a 1 minus 2 that is equals to minus 1. So हम यहां से निकाल सकते हैं a हमारा क्या आ गया minus 1. इसी तरह से जब हम पुट करेंगे x minus 2 को 0 a 0 हो जाएगा x equals to 2. So this will become 1 equals to b 2 minus 1 तो b आ गया 1. यहां तक किसी को डाउट. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट. फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू डाल दो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू. नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 upon x minus dx, 1 upon x minus 2 dx. अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx equals to log x. So this will become minus log of x minus 1 plus log of x minus 2. अब हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है एक log का log m minus log n that is equals to log of m by n. So this will become log x by 2 upon x minus 1 plus c where c is constant of. अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x square plus 1 x square minus 5x plus 6 कौन से टाइप है ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है. डिग्री इज सेम तो दिस इज तो दिस इज योर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स वन के साथ एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स चेंजिंग द साइन छोटी क्लास वाला तो दिस विल बिकम फाइव एक्स माइनस. यहां तक कोई डाउट. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. मार्क इट इज नंबर वन. यहां तक कोई डाउट. अब ये आपकी क्या है प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो दिस विल बिकम 5x माइनस 5 फैक्टराइज कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस 5 x x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन x माइनस 2 तो दिस विल बिकम 5x माइनस 5 x माइनस 2 एंड x माइनस 3. यहां तक कोई डाउट. सो पुट कर लीजिए 5x minus 5, x minus 2, x minus 3 equals to a upon x minus 2, b upon x minus 3. So this will become a into x minus 3, b into x minus 2, 5x minus 5. Mark it as number 2. So this will become 5 2 times minus 5 a 2 minus 3 5 a minus 1. So यहां से a आ गया minus 5. यहां तक पेड आउट. पुट x minus 3 equals to 0 x equals to 3
So this will become 5 times this minus 5 b 3 minus 2. So tan equals to b. यहाँ तक कोई डाउट? Use values of a and b in second. So this will become 5x minus 5, x minus 2, x minus 3, minus 5 upon x minus 2, plus 10 upon x minus 3. Using first, so this will become 1 minus 5 upon x minus 2 plus 10 upon x minus 3. Next step, integrating x square plus 1, x square minus 5x plus 6 dx. So this will become 1 dx, 5 bahar, x minus 2 dx plus 10 bahar, 1 upon x minus 3 dx. So this will become x minus 5 log x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus c, which is your required answer. Now our question is 3x minus 2 x plus 1 square x plus 3. So I can write it like this: a x plus 1 plus b a x plus 1 x plus 3 plus b x plus 3 plus c x plus 1 whole square upon x plus 1 whole square x plus 3. This will become 3x minus 2 x plus 1 square x plus 3. Denominator delete हो गए, cancel हो गए. आप लिख सकते हो 3x minus 2 a x square plus 4x plus 3 plus b x plus 3 plus c time x square plus 1 plus 2x. अब x square वालों को एक साथ club कर लीजिए, क्या आएगा? a plus c x square plus 4a plus b plus 2c x plus 3a plus 3b plus c. Now equating coefficients of x square x and कॉन्स्टेंट टर्म, जब आप इनको इक्वेट करोगे a प्लस सी इज योर जीरो, फोर ए प्लस बी प्लस टू सी इज थ्री, एंड थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू माइनस टू. यहां से हम लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस a, ये बन जाएगा फोर ए प्लस बी प्लस टू टाइम्स माइनस a इक्वल टू थ्री. सो फोर ए माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री, तो 2a plus b equals to 3. Similarly, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3a plus 3b minus a equals to minus 2. 2a plus 3b equals to minus 2. Mark this as number 1, mark this as number 2. Now, 2a plus b equals to 3, 2a plus 3b equals to minus 2. By subtracting negative, negative, plus positive, this and this gone, minus 2b equals to 5, so b is your minus 5 by 2. Using first, so this will become 2a minus 5 by 2 equals to 3, 2a equals to 3 plus 5 by 2, so 11 by 2, and a become 11 by 4, and c is our minus 11 by 4. Use values of a, b and c in first. यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे. So our a is 11 by 4, b is minus 5 by 2 and c is minus 11 by 4. So this will become integration 3x minus 2 x plus 1 square x plus 3
dx equals to 11 by 4 integration 1 upon x plus 1 dx minus 5 by 2 1 upon x plus 1 whole square dx minus 11 by 4 integration 1 upon x plus 3 dx. So this will become 11 by 4 log x plus 1 minus 11 by 4 log x plus 3, and this will become minus 5 by 2 integration x plus 1 minus 2 dx. So this will become 11 by 4 log x plus 1 upon x plus 3. ये मैंने क्या यूज किया है, log m minus log n, this is equals to log of m upon n. यहां तक किसी को कोई इशू? देखिए, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन x n dx equals to x n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this will become minus 5 by 2 x plus 1 raised to power minus 1 by minus 1 plus c. So this will become 11 by 4 log x plus 1 x plus 3 plus 5 by 2 x plus 1 plus c, which is your required solution. कर लीजिए इसको नोट. 3 sin phi minus 2 cos phi 4 minus cos square phi five minus cos square phi minus 4 sin phi d phi. So question is like this. देखिए, अब इस question में हमें sin दिया है, cos है, substitution method हमने पढ़ा था. अगर आपको किसी term को रिड्यूस करना हो या सब्स्टिट्यूट करना हो, इसको साइन की फॉर्म में बनाओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस फाई डी फाई डिलीट हो जाएगा. सो प्रॉब्लम आएगी कॉस स्क्वायर फाई को चेंज करने में. बट टेंथ क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन. कैन आई राइट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा? सो दिस विल बिकम 3 साइन फाई माइनस 2 cos phi 5 minus 1 minus sin square phi minus 4 sin phi d phi. This can be simplified 3 sin phi minus 2 5 minus 1 plus sin square phi minus 4 sin phi cos phi d phi. So this will become 3 sin phi minus 2 4 plus sin square phi minus 4 sin phi cos phi d phi. देखिए, a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus b square minus 2ab. यहां पे देखिए 4 is 2 का square, sin square theta 2 square sin square theta minus 2 into 2 sin theta sin phi. So this will become 3 sin phi minus sin phi. जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस टी का होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 3 टी माइनस 2 2 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन 2 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी का होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम ए 2 माइनस टी प्लस बी. सो दिस विल बिकम 2 ए प्लस बी माइनस ए टी 3 टी माइनस 2. इक्वेटिंग कोफिशंट्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म एंड टी वी गेट क्या मिलेगा, माइनस ए इक्वल टू 3. सो ए विल बिकम माइनस 3. सो 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2. 2 इंटू माइनस 3 प्लस बी इज योर माइनस 2. So this will become minus 6 plus b is minus 2. So b is your 4. Substitute values of a and b in first. So this will become 3t in second. So this will become 3t minus 2, 2 minus t square equals to minus 3 upon 2 minus t plus 4 upon 2 minus t ka whole square. Next step, step number 2, integrate kar lijiye.
So this will become 3t minus 2, 2 minus t whole square dt minus 3 integration 1 upon 2 minus t dt plus 4 1 upon 2 minus t square dt. So this will become minus 3 log 2 minus t upon minus 1 plus 4 2 minus t raised power minus 2 dt. So this will become 3 log 2 minus t plus 4 2 minus t raised power minus 1 by minus 1 plus c. So this will become 3 log 2 minus t minus 4 minus 4 into 1 upon 2 minus t plus c. तो पुट कर दीजिए t की जगह साइन, तो दिस विल बिकम 3 log 2 minus sin 5 minus 4 2 minus sin 5 plus c. So which is your required solution? Take कुछ examples related to our topic integration by using partial fraction.